नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शेयर को, ये मैं बहुत समय से शेयर में वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे वीडियो जाके देखिए। और एक बात मैंने हमेशा कही शेयर के बारे में कि ये शेयर, इसकी शेयर की जो ऑर्डर बुक है वो इतनी स्ट्रांग है गाइस, कि इनके जो जो बड़े बड़े मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज बैठे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आने वाले समय का पैंडमिक आता भी है, COVID-19 थर्ड वेव, तो उस तक कोई निकालने तैयार हैं, क्योंकि इनके पास इतनी स्ट्रांग बुक है दोस्तों, ऑर्डर बुक है। और आज तो इसने 52 वीक एक नया हाई लगाया दोस्तों, ठीक है। और देखिए, एक अच्छा शेयर जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आपको फिर रिपीट करूँगा, कि जो स्टॉक मार्केट की जर्नी ना दोस्तों, जिसे पैसे कमाने एक्चुअली में, वो बहुत ही बोरिंग जर्नी है स्टॉक मार्केट की। आपको अगर कुछ थ्रिल करना है तो कुछ अलग जगह जाइए, क्योंकि जब अब देखिए आप, अब आप स्टॉक को देखिए जो ये लगातार जर्नी कर रहा है, तब खरीदने के बजाय जब ये स्ट्रगल कर रही थी कंपनी 890, 910, 920 के आसपास, और तब कई कई ब्रोकर हाउसेस बहुत नीचे के टारगेट्स दे रहे थे। बट आपको याद होगा, मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ HCL के ऊपर, और हमेशा कह रहा था कि कभी भी बॉटम के पीछे मत जाइए, सपोर्ट्स को चेक कीजिए। सपोर्ट मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, उन सपोर्ट में छोटी छोटी मात्रा में एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। उन सपोर्ट्स में हमेशा 10 रुपये, 15 रुपये, 50 रुपये गिरावट में नहीं दोस्तों, एक छोटे छोटे अमाउंट को एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। और आप पाएंगे कि जो जबरदस्त तेजी आप इस शेयर में देख रहे हैं अभी, ये उसी वक्त का नतीजा है, और सबसे ज्यादा उसी को एंजॉय कर रहे होंगे लोग, जो उस वक्त इस शेयर पे भरोसा करके अपने रिसर्च पे टिके रहे और खरीद के चुपचाप माल के ऊपर बैठे रहे। और देखिए, तब से एक ब्लू चिप स्टॉक दोस्तों, अगर पिछले एक महीने की बात करें, 10% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, और 6 महीने में 24% का रिटर्न, एक ब्लू चिप स्टॉक गाइस, ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है। और आज की तेजी का जो कारण है उस पर बात करेंगे, अब क्या करना चाहिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उनको क्या करना चाहिए, और आखिरी में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक के बारे में, द डार्क हॉर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक, आईटी स्टॉक का डार्क हॉर्स, और मेरा फेवरेट आईटी स्टॉक आज भी ये क्यों है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो मैं आपको, आपके सामने ऐसी ही एक से एक न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे पहले आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूंगा गाइस। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, और हमें और भी अच्छा काम करने की हिम्मत मिलेगी। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि आज लगभग ये मान के चलिए 2.37% की तेजी पे बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 3:35 हुए हैं, ठीक है। और ये रैली अभी की नहीं है दोस्तों, आप देखिए 1 महीने में 10%, 6 महीने में 24% से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 24% ज्यादा, और जनवरी से लेकर अभी तक 30%, मतलब 30%, ठीक है गाइस, ठीक, मतलब आप मान के चलिए 9 मंथ में 30% रिटर्न, फिनोमिनल है दोस्तों ये। और ऐसा क्यों है दोस्तों, ऑर्डर बुक, इनकी ऑर्डर बुक, इनका यूरोप में अपना एक्सपेंशन करना। आप देखिए कि आपको याद होगा मेरे जो पिछले वीडियोस हैं, आप देखिए इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है दोस्तों, वो यूरोपियन मार्केट में बहुत स्मार्टली किया, ठीक है। यूरोपियन मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट्स में इन्होंने जो नई नई टेरिटरी ढूंढी है ना दोस्तों, अपने अपने काम करने की, वो वाकई फिनोमिनल है। और सबसे अच्छी चीज, मल्टी मिलियन डॉलर डील्स करते हैं दोस्तों ये, और मल्टी ईयर्स की, ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 महीने 3 साल 5 साल, और पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। और जो आईटी में ये बूम देख रहे हैं ना गाइस, ये कोई अभी का बूम नहीं है, जिस तरह आईटी ने अपने आप को बनाया है कंपनियों ने इंडिया की, ये उसी का करेक्शन है कि जो आप आईटी में लगातार की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं गाइस, ठीक। और आने वाले समय में ये जो आईटी बूम है जारी रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इंडिया, इंडिया की जो आईटी कंपनीज है वो एक बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में काम करके देंगी। पूरे वर्ल्ड यहीं से ऑर्डर्स, यहीं ऑर्डर अपने बुक करा रहा है, भले ही वो यूएस हो, यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, या वो साउथ ईस्ट एशिया हो, ठीक है गाइस। और अब जो इन ऑर्डर बुक्स में नया नाम जुड़ा है दोस्तों, उनका नाम है ये, देखिए आप, नाउ HCL टेक्नोलॉजीज
शेयर हिट्स न्यू 52 वीक हाई ऑन पार्टनरशिप विद HANCO हैनकॉम। अभी क्या है हम आगे देखेंगे। नाउ क्या काम है, HCL विल सपोर्ट ट्रेनिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट हैनकॉम्स R&D सेंटर इन इंडिया। ठीक है गाइस, HCL विल ऑल्सो शेयर इट्स डेवलपमेंट स्टूडियो एंड प्रोवाइड HR सपोर्ट टू मीट डिमांड एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी एट द R&D सेंटर। ठीक है दोस्तों, जो इंडिया में हैनकॉम की R&D सेंटर है वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग है उसका सपोर्ट करेंगे, डेवलपमेंट सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसका सपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग का। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं कि भाई ये कहाँ की कंपनी है और कैसी है। तो इसमें आप देखिए लिखा है दैट HCL टेक्नोलॉजी शेयर हिट न्यू 52 वीक हाई ऑन BSE आफ्टर द कंपनी साइंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद साउथ कोरियन कंपनी हैनकॉम फॉर टेक सॉल्यूशंस। कई साउथ कोरियन कंपनीज भी, मैंने आपसे क्या कहा था, यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और अब देखिए ये कोरियन पेनिनसुला में भी आ रहे हैं। साउथ कोरिया जैसी कंपनी, देश की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब HCL टेक्नी से, सिर्फ HCL टेक्नी दोस्तों, इंडियन IT फर्म से। ये इंडियन IT की और इंडिया की सॉफ्टवेयर का नतीजा है। और जिस तरह जो कहते हैं ना दोस्तों, मिस्टर नारायण मूर्ति, TCS के जो मिस्टर रतन टाटा, जो टाटा वाले हैं, शिव नाडर साहब, आज इनकी ये कंपनी HCL टेक, ये विप्रो अजीम प्रेम जी, इन्होंने जो विजन किया, इन्होंने जो मेहनत की, इनके एम्प्लॉयज ने, उसी का नतीजा है कि आज दुनिया की जो दिग्गज कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ से ही जो है हम ही को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, ऑर्डर दे रही है अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने की। और आपने अभी देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में, मैंने जो TCS में बनाया था कि जो TCS को क्या मिला है दोस्तों, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए, जो लंदन की टैक्सी जो है उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वहां के इंटीग्रेट करने के लिए, जो व्हीकल्स हैं, लाइसेंस हैं, जो भी वहां का होता है। तो ये दोस्तों समझिए कि इंडिया की ताकत है ये। अब अपने टॉपिक में आते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज एंड हैनकॉम हैव साइन ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू शेयर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल ब्रिज हेड फॉर ओवरसीज एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, ये है कि भाई HCL टेक्नोलॉजी और हैनकॉम है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए हैं, जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जो एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है, और एक म्यूचुअल ब्रिज आपस में किया जाएगा अपने ओवरसी एक्सपेंशंस के लिए। ठीक है, HCL विल सपोर्ट ट्रेनिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हैनकॉम्स R&D सेंटर इन इंडिया। HCL विल ऑल्सो शेयर इट्स डेवलपमेंट स्टूडियो एंड प्रोवाइड HR सपोर्ट टू मीट डिमांड एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी एट द R&D सेंटर। ठीक है गाइस, ये मैंने आपके ऊपर बताया था। इन एडिशन इट विल प्रमोट टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन टू स्ट्रेंथन हैनकॉम प्रोडक्ट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, द टू कंपनी ऑल्सो प्लान टू कोऑपरेट ऑन ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन। दिस इंक्लूड्स हैनकॉम सेंटर टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज ताइवान, वियतनाम एंड बांग्लादेश, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड HCL बिजनेस एक्सपेंशन इन टू साउथ कोरियन मार्केट, द फर्म एडेड। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो डील हो रही है ना, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं हो रही है। इससे हैनकॉम जो अपने एक्सपेंशंस करेगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, कैसे कैसे, ताइवान, वियतनाम, प्लस इसके कारण HCL टेक्नोलॉजी अब कहाँ जा रही दोस्तों, अपना जो एक बिजनेस एक्सपेंशन है वो साउथ कोरिया में भी करेगी। और दोस्तों ये जो तेजी है ना मामूली नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये जो देखिए आप 49 लाख शेयर्स की जो ट्रेड हुई है ना, 49 लाख शेयर से भी ज्यादा की ट्रेड, और आप डिलीवरी देखिए, ये स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है, और आने वाले समय में ये दर्शा रहा है गाइस कि अब ये शेयर और भी मजबूती से ऊपर की तरफ भागेगा दोस्तों। ठीक है, नए निवेशकों को मैं यही बोलूंगा दोस्तों, बिल्कुल आप तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अब हाँ ये 52 वीक हाई में है, इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई में है, शेयर भी ऑल टाइम हाई में है, लेकिन अगर अब बुकिंग अगर अब शेयर में अगर गिरावट आती है तो ये थोड़ा सा पेनफुल आपको लगेगा, क्योंकि आप बहुत हाई में ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रेशर कम होने दीजिए, थोड़ा गिरावट होती है वहां से एक्युमुलेट करना शुरू करें तो अच्छा होगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दोस्तों इस मार्केट प्राइस में भी ऐसी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज कंपनी को एक्युमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए।
ठीक है गाइस। और जो एक बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं उन्हें थोड़ी सी 5-10% 20% 30% की प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं दोस्तों साल के 30% कमाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट के साथ साथ अब अगर अगर आपको बाइंग आती है तो आपको ये भी आना चाहिए कि कब सही समय में सेलिंग करें, और प्रॉफिट बुक हमेशा समय समय पर एक अच्छे इन्वेस्टर को ना हो करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था एचएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।